Hello everyone, this video is for 5th standard and it is based on GCRT syllabus. यह video 5th standard के लिए है और यह GCRT syllabus पे based है. इसके अंदर हम unit 1 boundless nature discuss करेंगे. Unit 1 boundless nature के activity 1 to activity 9 discuss हो चुकी है पिछले videos में. अगर किसी ने वो videos नहीं देखे तो जाके वो videos पहले देखें फिर इस video पे आए ताकि आपकी understanding better होगी. ओके तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 10, द एरिया अराउंड योर स्कूल हैज प्रॉब्लम ऑफ क्लीनलीनेस लाइक गार्बेज डंपिंग. गार्बेज डंपिंग, बैरन लैंड, कच्चा रोड और ट्रैफिक इशू. ओके, ये सम ऑफ द प्रॉब्लम्स है जो आपकी स्कूल में है. हाँ, नहीं है अगर रियल में नहीं है, जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, ओके, वो प्रॉब्लम आप कंसीडर कर सकते हो. चलो आगे चलो. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद अ लीडर ईच एंड कंडक्ट अ कैंपेन टू क्लीन अप द प्लेस. राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स का और उसके अंदर एक लीडर रखना है, मॉनिटर रखना है और कैंपेन कंडक्ट करना है टू क्लीन अप द प्लेस, इस प्लेस को साफ करने के लिए और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है. और फिर उसके बाद रिपोर्ट बनानी है किसके लिए, स्कूल मैगजीन के लिए. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रिपोर्ट. क्या वर्ड यूज हुआ, रिपोर्ट. रिपोर्ट मीन्स होता है कि कोई भी बात हो गई है, जो बात पहले हो गई है, पास्ट में हो गई है, उसको वापस से बताना, उसको रिपोर्ट करना. ओके, जैसे अभी मैंने आपको गेम्स खेलने के लिए रेसेस में भेजा और आपको आपके फ्रेंड्स ने बाहर फाइटिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है, तो आप जब आओगे मेरे पास तो आप क्या करोगे, मुझे रिपोर्ट करोगे. मींस जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसको मुझे बताओगे कि इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था. तो वो क्या होगी, रिपोर्ट. ओके, रिपोर्टिंग करना. ठीक है, तो रिपोर्ट कई तरह की होती है. स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट हमको लिखनी है, अदरवाइज रिपोर्ट जो बड़े बड़े कई तरह की रिपोर्ट्स होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. अभी आपको हम स्कूल मैगजीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे. अभी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट कहाँ काम आती है बच्चों, ये कहाँ काम आती है, जब स्कूल अपनी बुकलेट बनाती है, जब पब्लिसिटी करते हैं या बाहर लोगों को बताते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम्स हुए हैं, तो वो रियल टाइम फीडबैक जाते हैं. तो वो अपने चिल्ड्रन, अपने स्टूडेंट्स से रिपोर्ट लेते हैं कि जो हमने एक्टिविटी की उसको आप शॉर्ट में या ब्रीफ में बताओ, कुछ लाइंस में, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिपोर्ट. तो आपको एक रिपोर्ट बनानी है कैंपेन के बारे में जो किसके लिए हुआ था, क्लीन अप द प्लेस. तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, आप उसको कॉपी नहीं करोगे. ओके, आप अपने वर्ड्स में खुद का रियल एक्सपीरियंस दोगे, क्योंकि आपके स्कूल्स में वन टाइम नहीं, मैनी टाइम्स हमने क्लीनलीनेस का कैंपेन, मतलब स्वच्छता अभियान हमने स्कूल की सराउंडिंग के लिए स्टार्ट किया हुआ है और उस पर हमने वर्क भी किया है. इज दैट क्लियर? और जो भी वीडियो देख रहा हूँ उनके स्कूल्स में भी ऐसे कैंपेन चले होंगे. तो आपको अपने वर्ड्स यूज करने, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्सप्लेनेशन ध्यान देंगे यहाँ पे. एक्टिविटी 10, आप हेडिंग डालेंगे ऊपर स्वच्छता अभियान. ओके, स्वच्छता अभियान, इससे पता चल जाएगा रीडर्स को कि आप किसके बारे में बताने वाले हो. ठीक है, फिर एक आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, माय स्कूल ऑर्गेनाइज्ड क्लीन इंडिया कैंपेन टू क्लीन सराउंडिंग्स ऑफ माय स्कूल. हमारे स्कूल ने क्लीन इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें हमने इस कैंपेन को नाम दिया क्लीन इंडिया और हमने हमारे स्कूल के आसपास जो भी सराउंडिंग मीन्स आसपास उसको साफ किया. वी मेड हैंडमेड डस्टबिन फॉर आवर स्कूल्स सराउंडिंग्स. हमारे स्कूल के आसपास जो भी घर है, इंस्टीट्यूट है, उसके लिए हमने हैंडमेड डस्टबिन बनाए. वी वेंट नियर बाई हाउसेस टू अवेयर अबाउट क्लीनलीनेस. हम हमारे आसपास जो भी हमारे स्कूल के आसपास हाउसेस है वहाँ पे गए और उनको सफाई के बारे में जागरूक किया, उनको बताया कि आपको क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, इससे बीमारी नहीं होती है, साफ सफाई रहती है, अच्छा लगता है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, सब तारीफ करते हैं. आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए. मोटिवेट मीन्स मोटिवेट किया था. अवर टीचर वर विथ अस ऑन एवरी स्टेप. हमारे टीचर्स हमारे पीछे खड़े थे,
हर जगह हमको सपोर्ट करने के लिए। वी एंजॉयड दीज एक्टिविटीज़, हमने बहुत एंजॉय किया था ये एक्टिविटीज़। अब आपको ये ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी मर्जी से सेंटेंसेस यूज़ करना है, चाहे मिस्टेक हो कुछ भी हो, लेकिन ये सब आपका रियल जो रियल नॉलेज होने चाहिए, रियल वर्ड्स, रियल सेंटेंसेस होने चाहिए। रिपोर्टेड बाय लिखोगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, ओके। यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि आप उस ग्रुप के लीडर हो, क्या हो, आप उस ग्रुप के लीडर हो और आप उनके बिहाफ पे बोल रहे हो कि भाई हम मीन्स आप और आपका, आपकी जो टीम है, आपका जो स्कूल का टीम है, ओके। तो इसी के साथ एक्टिविटी 10 फिनिश होती है। तो हमने पूरे की पूरे यूनिट वन हमने फिनिश कर दी, बाउंडलेस नेचर, एक्टिविटी 1 टू एक्टिविटी 10। अब आपका क्या वर्क रहेगा, आपको सारे वीडियोस वापस से देखने हैं, रिवाइज करना है, ओके, उसको अच्छे से समझना है, न्यू वर्ड्स है उनको लिखना है नोटबुक्स में, लर्न करना है। और नेक्स्ट वेनसडे को क्या होगा, लर्न यूनिट 1 फॉर टेस्ट ऑन कमिंग वेनसडे। कमिंग वेनसडे को आपको एक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे आपके ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे भी आप अवेलेबल होंगे, आपको डिलीवर हो जाएगा वो मैसेज टेस्ट का, और आपको वो टेस्ट घर पे ही देना है और घर पे ही आपको खुद ही सेल्फ चेक करना है, ठीक है, खुद ही चेक करना है, क्लियर। तो इसके साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में डालो। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, थैंक यू।